पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। होटल के ज्योति लोक के सभागार में पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित महिला दिवस के शुभ अवसर पर शहर की प्रथम नागरिक महापौर अरुणा शंकर एवं सम्मानित महिला पार्षदों द्वारा दो वर्ष कोरोना आपदा के क्रम में अपनी जान की बाजी लगाकर जिन नर्सों और डॉक्टरों ने लोगों को एक नई जान देने का काम किया उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि महिलाओं के बिना संसार अधूरा है। महिलाएं आज हर संकट की घड़ी में पुरुषों के साथ कदम पर कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो देश की सीमा हो या फिर शासन प्रशासन का नेतृत्व, चाहे वो कॉरपोरेट ऑफिस हो या फिर घर की गृहस्थी। और अब तो हमारी बहनें पूजा कराने से लेकर दाह संस्कार तक का कार्य कर रही हैं। महिलाएं जितना सुख की साथी होती हैं कहीं उससे ज्यादा दुख में परिवार और समाज के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। कोरोना काल में जब हम सब डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे उस वक्त मेडिकल टीम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी नर्स बहनें और महिला डॉक्टरों ने लोगों को एक नई जान देने का काम किया जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। महापौर ने कहा है कि मैं और पूरा समाज फ्रंटलाइन वर्करों को सैल्यूट करता है जिनके बिना इतना बड़ा युद्ध नहीं जीता जा सकता था। महापौर करुणा शंकर ने कहा कि महिलाओं का सम्मान आपके संस्कार को दर्शाता है और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे छोटे से इस खूबसूरत शहर के जितने भी भाई हैं हम बहनों की हमेशा रक्षा करेंगे। इस अवसर पर चैंबर परिवार की ओर से श्री कृष्णा प्रसाद अग्रवाल ने सभा की अध्यक्षता की और इंद्रजीत सिंह डिम्पल ने सभा का संचालन किया। चैंबर की ओर से श्री रंजीत मिश्रा, नीलेश अग्रवाल, प्रदीप कुमार बाबुल, राजदेव उपाध्याय, फिरोज उद्दीन अंसारी, अनवर हुसैन, राकेश सोनी, रिंकू दुबे ने महिलाओं के प्रति उद्गार व्यक्त किए। महापौर अरुणा शंकर ने एमएनसी के कई नर्सों के साथ साथ सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुदेशना दत्ता, डॉक्टर दीप्ति तिवारी, डॉक्टर प्रीति कुमारी के अलावा लिलीपुट स्कूल की प्राचार्य रेनू गोयल व विद्या अंजलि की प्राचार्य प्रियंका आनंद को समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सम्मानित किया। समारोह में नगर निगम के महिला पार्षदों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी महिला पार्षदों को चैंबर परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अपने शहर की छोटी सी बच्ची कुमारी शिखा ने अपने मीठी मीठी गानों से लोगों का मन मोह लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं यहाँ अपने अमेठी नगर शहर की सभी कोरोना वॉरियर्स जो हैं, हमारे जेएनएम की नर्सें यहाँ पे हैं, हमारी महिला पार्षद हैं और भी महिला उद्यमी यहाँ पर हैं, मैं उन सब के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि एक महिला अपना घर संभालते हुए यदि बाहर का काम करती है तो सचमुच वो नमन की पात्र है और वो जो काम कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम घर का काम करते हुए यदि बाहर का काम करते हैं तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है जो हम इनको अपने दायित्व को समझते हुए, परिवार के दायित्व को समझते हुए, समाज के दायित्व को समझते हुए ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनके विकास में योगदान का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी महिला कर्मी जो है हमारी, चाहे प्रतिनिधि हैं, चाहे व्यवसायी हैं या कोरोना वायरस की जो भी नर्सें हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। उन सभी महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ जो अपने घर परिवार को देखते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रही हैं, तो ये सब उनके लिए बहुत ही साधुवाद की बात है। मैं उनका नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।